चलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। जब कोई भी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है या इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो कौन लोग उसे रजिस्टर्ड करते हैं, किस तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना, किस इंस्टीट्यूशन के पास हम उसको इनकॉर्पोरेट करवाने जाते हैं, ऐसा क्या मिलता है जिससे प्रूफ होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, ये हम लोग सब पढ़ने वाले। अब सबसे पहले, मगर उसके पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक बेसिक चीज पढ़ने वाले हम लोग आज, कि कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब रजिस्टर्ड करता है, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसे हम कहते क्या है। तो हमने उसका नाम यहां पर लिखा है प्रमोटर। क्या लिखा है? प्रमोटर लिखा है। प्रमोटर मतलब कौन? पहले एक चीज तो क्लियर कर लो भाई, टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमोटर कौन है? एग्जांपल दीजिए, जेआरडी टाटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रमोटर कौन था? धीरू भाई अंबानी। हाँ, अब नए बिजनेस जो चालू हुए होंगे उनके बाद उसके लिए हो सकता है रतन टाटा का बिजनेस के लिए प्रमोटर हो, मुकेश अंबानी के बिजनेस के लिए प्रमोटर हो, जब वो डिवाइड हो गया बिजनेस। बिल्कुल, फ्लिपकार्ट का बंसल था ना, स्टीव जॉब्स, एप्पल। प्रमोटर मतलब कौन आपको बताया गया? वन हु कंसीव एन आइडिया ऑफ डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति जिसके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया, कंसीव किया कि भाई कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना चाहिए। अब वो आइडिया फिजिबल है या नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, वो प्रमोटर अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, अपनी रिसर्च के थ्रू पता करता है। प्रमोटर मतलब कौन? कंपनीज एक्ट प्रमोटर को अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता है। प्रमोटर मतलब कौन? कैसे पहचानेंगे हम कि कंपनी का प्रमोटर कौन है? कैसे पहचानेंगे? उसका नाम आएगा क्या कहीं पर? उसका काम आएगा क्या कहीं पर? ऐसा क्या लिखा रहेगा? कैसे पहचानेंगे हम कि वही लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैदा करने का आइडिया अपने दिमाग में पहली बार जनरेट किया, बिजनेस आइडिया इन्होंने जनरेट किया। ठीक है, आज संभाल रहे हैं उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे अपॉइंटेड मैनेजर्स हैं, बहुत सारे अपॉइंटेड लीगल ऑफिसर्स हैं। देखते हैं, हु इज द प्रमोटर? प्रमोटर मतलब कौन जिसका अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दे डिफाइन द टर्म प्रमोटर हु हैज बीन नेम्ड, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में, पब्लिक कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है ना पब्लिक के लिए, क्या आइए और हमसे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदिए, तो उसका नाम यहां लिखा रहेगा। मतलब इन द नेम ऑफ प्रमोटर प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड किसी एरे ऑफिसर, एरेगर ऑफिसर मैं बोल रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, किसी और के नाम पर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे। और इट इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, या कंपनी जो साल के अंत में रिटर्न फाइल करती है किसको? आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को। व्हाट इज एनुअल रिटर्न? जैसे कंपनी ने शेयर इशू किया, पब्लिक डिपॉजिट इशू किया, तो उसके रिटर्न कुछ फाइल करते हैं साल के अंत में, बताने के लिए कि हमने कितने के शेयर इशू किए थे, कितना पेड ऑफ कैपिटल मिला, कितने के डिपॉजिट, कितने का डिबेंचर्स। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न, जो हम आरओसी को या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को समय समय पर फाइल करते हैं, उसमें इसका नाम लिखा रहेगा, इसके नाम पर वो रिटर्न होंगे। ठीक है, या और हा? अगर यहां नाम नहीं है उसका, तो फिर या तो वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली खुद, या इनडायरेक्टली बाय अपॉइंटिंग समवन। लिखा ना, अब कैसे कंट्रोल कर रहा है? तो वो एज ए शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहा है मीटिंग में। अब इसके पास हो सकता है 51% शेयर, 50%, तो वोटिंग पावर इसके पास सबसे ज्यादा, एज ए डायरेक्टर, और अदरवाइज किसी के थ्रू, किसी ऑफिसर के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना। इनडायरेक्टली में क्या क्या आ गया? एज ए शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहा है। अब शेयर होल्डर दो तरीके से कंट्रोल करेगा, एक हो सकता है शेयर कैपिटल उसके पास में ज्यादा हो, दूसरी बात इन्होंने जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया वो इन्हीं के थ्रू काम कर रहा हो, इन्हीं के लिए काम कर रहा हो। शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं ना, आपको पता है नहीं बात, तो हो सकता है कि जब प्रमोटर एज ए शेयर होल्डर डील कर रहा होगा तो उसने अपने चुने हुए, अपने पसंदीदा डायरेक्टर को अपॉइंट किया, और एनी अदर, अदरवाइज मतलब एनी अदर ऑफिसर। और अगर ये दोनों में भी एलिजिबिलिटी नहीं है उसकी, तो फिर इन अकॉर्डेंस विद जिसकी एडवाइस पर, जिसके कहने पर चुने हुए डायरेक्टर कोई डिसीजन लेते हैं, जिसके डायरेक्शंस पर, जिसके इंस्ट्रक्शंस पर द बीओडी ऑफ द कंपनी अकस्टम्ड, बाध्य, बाइंड है, बाउंड है, अकस्टम टू एक्ट, आपको इसके कहने पर, इसके डायरेक्शंस पर ही काम करना होगा। आप मतलब कौन? यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
तो अगर ये तीन कंडीशंस में से कोई एक भी फुलफिल हो गई तो वो बंदा क्या कहलाएगा? प्रमोटर। दो नंबर तीन नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंड प्रमोटर, तो आपको आना चाहिए। क्या पहला कौन है जिसका नाम या तो प्रॉस्पेक्टस में लिखा है या जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में आया है, उनके नाम पर इश्यू किया गया साल के अंत में, या वो बंदा कंपनी के अफेयर्स को, डेली ऑपरेशंस को या तो डायरेक्टली खुद मैनेज कर रहा है या किसी के थ्रू मैनेज करवा रहा है, जैसे कि शेयर होल्डर या एज ए डायरेक्टर। तीसरा, कंपनी का जो सबसे बड़ा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सबसे बड़ा कंपनी का अथॉरिटी, वो इसकी इसके डायरेक्शंस और एडवाइस को अकस्टम्ड है, बाइंड है। मुकेश अंबानी की एडवाइस को बाइंड है ना रिलायंस, ठीक है, कितने बड़े बड़े डायरेक्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट डेफिनेटली वो जो कहेगा उसके एडवाइजर इंस्ट्रक्शंस सर्वोपरि होंगे। सो अ पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर, और जिनके दिमाग में कंपनी को फॉर्म करने का सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, और वो आइडिया का मैंने क्या बोला कैसा होना चाहिए, फिजिबल यानी प्रैक्टिकल, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब ध्यान देना, आपको पता है कितने प्रकार की कंपनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कंपनी होती है। अगर आपको पब्लिक कंपनी स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए मिनिमम आपको 7 सब्सक्राइबर मेंबर लगेंगे, याद है पढ़े थे 7 मेंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी, कोई भी माइनर नहीं होना, 18 साल से कम वाला, कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं होना, कोई भी इनसेन नहीं होना, 7 एडल्ट बिल्कुल कॉम्पिटेंट लोग। प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश करना है तो 2 लोग लगेंगे आपको, ठीक है, और अगर 1 पर्सन कंपनी स्टैब्लिश करना है तो 1 व्यक्ति है, बाकी दूसरा तो उसका नॉमिनी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, अरे बराबर है कि नहीं बराबर है। और ये जो भी बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं उसका लॉफुल पर्पस हो, नेशनल इंटरेस्ट के हित में होना चाहिए, चलो नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं भी है मगर नेशनल इंटरेस्ट के हित प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए कि देश को कोई नुकसान हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान हो रहा है, लॉफुल पर्पस के लिए आप रजिस्टर्ड करें। लिखा ना, ओके। सेक्शन 7 यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोसीजर दे रहा है। अब देखो कैसा होता है, प्रोसीजर इतनी बड़ी है, बच्चों को इसे पूरी याद करना है, आपको प्रोसीजर याद एज ए प्रोसीजर मत करना, आप इंडिविजुअल पॉइंट की तरह हर चीज को पढ़ोगे। अगर ये छोटा सा पोर्शन भी आया तो मैं लिख सकता हूं, पहला पॉइंट है कि आप जब कंपनी को रजिस्टर, पहले तो आपने अपने आइडिया को जनरेट किया, उस पर एक्सपर्ट रिपोर्ट बनाई कि आइडिया फीजिबल है या नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, है ना, आपने उस रिपोर्ट को एग्जामिन किया, फिर आपने पैसे इकट्ठे करने का, कहां से फंड्स आएंगे, फिर आपने मेमोरेंडम आर्टिकल और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार किया, जो कंपनी जो डॉक्यूमेंट आप आरओसी के पास फाइल करने वाले हो, तो लिखा ना पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, है ना, और पूरी इंफॉर्मेशन के कंपनी का नाम क्या हो सकता है, कंपनी क्या काम करने वाली, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई प्रॉफिट के लिए है कि वेलफेयर के लिए है कि सर्विस है कि गुड्स है कि मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो, बराबर है। डिक्लेरेशन जाते हैं इसमें, जो लोग कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे हैं ना वो लिखित में डिक्लेरेशन देते हैं, रिटर्न इन्फॉर्मेशन कि हम जो काम कर रहे हैं वो लॉफुल पर्पस के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनलॉफुल एक्ट इन्वॉल्व नहीं है, और हम जो लोग हैं 7, 2 और 1 हम में से कोई भी किसी प्रकार के कन्विक्शन में किसी भी प्रकार की सजा नहीं भुगत रहा है, और भुगता भी था तो उसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड कर रहे हो वहां के रजिस्ट्रार को भेज दो आप डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट की बात किया मैंने फटाफट बोलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिक डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। बेसिकली तो बहुत सारी प्रोसीजर से अगर मैं डिटेल में जाऊंगा कि MCA को अप्रोच करो, DIN लो, बहुत सारी बात में साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, और ये ऑल आता है मतलब 7, 2, 1 पब्लिक प्राइवेट और OPC और ROC के पास फाइल कर दो, ठीक है, ROC उसको चेक करेगा, देखेगा भाई मेमोरेंडम में पूरे क्लॉजेस लिखे कि नहीं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, है ना, ये क्लॉजेस होते हैं। मेमोरेंडम आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है सबसे ज्यादा, आर्टिकल में होते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस पे वो फंक्शन करने वाली है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, मैंने सब अंडरलाइन कर दिया, समझ लेना एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, तो एक एक टॉपिक पढ़ रहे ऐसा सोच के चलना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। पहला है A declaration by person who is engaged in the formation of company. अभी बताया मैंने declaration का मतलब क्या होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि यू आर एलिजिबल टू फॉर्म अ कंपनी, यू हैव टू प्रूव yourself. हाउ यू कैन प्रूव, तो पहले तो आप एक्सपर्ट्स की राय ले लो, उनका सहारा ले लो, उनकी सहायता से कंपनी को फॉर्म करो, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज वही जानते हैं, तो कानून का सही जानकर वो होंगे, उनका भी अफर्मेशन आ जाएगा, वो भी एक डिक्लेरेशन दे देंगे ROC को कि भाई हमारे सामने कंपनी फॉर्म हुई है और सब कुछ बढ़िया है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सपर्ट्स की, ये लो एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनका एक डिक्लेरेशन ले लो, ये लॉयर इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इनका ना
फिर किसका नाम रहेगा आर्टिकल में, डायरेक्टर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी में से किसी एक का नाम आपको डालना पड़ेगा, उसी के भी आपका आर्टिकल बना है। तो क्या है मतलब क्या होने वाला है, डिक्लेरेशन है क्या कि एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो पर्सन इन्वॉल्व है आर्टिकल में जिनका नाम लिखा है जिसका नाम है, ये डिक्लेरेशन दे रहे कि कंपनी को फॉर्म करते वक्त कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी एक्ट के हर रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखा। देखो लिखा है प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल डायरेक्टर, जितने भी रूल्स पहले प्रेसिडेंट जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है मतलब पुराने कानून के, हो सकता है कुछ चीजें अभी भी हमको 1956 की फॉलो करनी हो, प्रेसिडेंट टू दैट और इंसिडेंटल और उससे रिलेटेड जितने एक्ट हैं वो भी फॉलो करेंगे। अब जैसे कंपनीज एक्ट है तो शेयर मार्केट में अगर आप डील करने वाले तो आपको शेयर मार्केट के रूल्स भी फॉलो करने होंगे, आपको सेबी के रूल्स भी फॉलो करने होंगे, है ना, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी फॉलो करना होगा आपको। आप समझ रहे हो इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड एक्ट दे आर विद कंपनीज एक्ट, है ना, पिछले प्रीवियस। ये डिक्लेरेशन दिया आपने, किसने दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट कॉस्ट अकाउंटेंट इन लोगों ने, या फिर मैनेजर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी जितने भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है वो बराबर कंपनी एक्ट के से रिलेटेड है या पुराने रिलेटेड थे, है ना, पुराने जो कानून थे, है ना, जो प्रेसिडेंट्स है जो पुराने ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट है, और या फिर इससे रिलेटेड जितने भी कानून होंगे हम उसको पूरा पालन करेंगे या पालन किया गया है फॉर्मेशन के वक्त, ये डिक्लेरेशन आ गया। तो डिक्लेरेशन गलत हुआ तो फंस सकते हैं लोग। अब देखो क्या लिख रहे हैं, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर, कितने 7, 2, 1, और वो व्यक्ति जिनका नाम फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन होता है फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर आर द फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी का वन ऑफ द प्रमोटर ही फर्स्ट डायरेक्टर होता है, इफ एनी इन द आर्टिकल। देखो क्या लिख के देना पड़ेगा आपको, ये सब्सक्राइबर क्या लिख के देने वाले हैं, मैंने भी बताया आपको, भैया हमको किसी भी प्रकार की जेल नहीं हुई, कौन से मैटर में, ना हमने किसी कंपनी के प्रमोशन में कोई फ्रॉड किया, ना फॉर्मेशन में, ना उसको चलाने में, हमको जेल हुई नहीं, हमको कोई, हमको कभी सजा नहीं हुई, गिल्टी नहीं हुई कोई फ्रॉड में, है ना, किसी मिसफिजेंस में मतलब फ्रॉड धोखा देने में बोगस करने में, है ना, हमने किसी प्रकार की ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की, हमने किसी प्रकार का किसी का पैसा नहीं डुबाया, बराबर है ना, इस कानून के अंदर किया ना किसी प्रीवियस कानून के अंदर किया, और अगर किया है तो उस बात को 5 साल से ज्यादा हो चुका है और वो हमने मुआवजा दे दिया है, हम सजा भुगत चुके हैं। से रिपीट कर रहा हूं, अगर वो ऐसा हुआ भी है तो उस बात को 5 साल हो चुका है, हम सजा भुगत चुके हैं, मुआवजा या उसका जो भी कंपनसेशन था पे कर चुके हैं, और उस बात को कितने साल हो गए, 5 साल। ये और लिखा, समझ रहे ना, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने फाइल किए किसके पास, आरओसी के पास, जहां हम रजिस्टर्ड होने वाले, जैसे मुंबई में फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है भाई, नाम को लेके, ऑब्जेक्ट को लेके, कहां से पैसा आएगा उसको लेके, कौन कौन डायरेक्टर है उसको लेके, वो पूरी ट्रू है और कंप्लीट है और हमारे नॉलेज की है, मतलब उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, वी मतलब कौन, दीज सब्सक्राइबर्स 7, 2, 1 इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, क्योंकि अब जैसे यार मैं और काशी पर कोई दो कंपनी चालू कर रहे हैं, हम प्रमोटर है, अब हमको कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो 7 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए हमको 5 लोग लगेंगे ना, बट वो 5 लोग जरूरी नहीं है कि प्रमोटर होंगे, एक एडवोकेट हो जाएगा, एक दूसरा कोई दोस्त हो जाएगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा कंपनी का जहां कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है, ठीक है, जो लोग कंपनी के सब्सक्राइबर है मतलब प्रमोटर, उसमें कुछ डायरेक्टर कंपनी के है ना मेंबर्स, उनके नाम, उनके सरनेम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका नेशनलिटी, है ना, सब सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है सब आपको बताना पड़ेगा। और इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, व्हाट इज दैट मीन, अगर आपकी सब्सक्राइबर मतलब कंपनी की वन ऑफ द मेंबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे SBI LIC पढ़ाया था मैंने आपको, कोई कंपनी है तो उसकी भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। आपको पता है ना, एक कंपनी भी किसी और कंपनी की मेंबर बन सकती है, ठीक है, पर्टिकुलर्स रहेंगे इंक्लूडिंग सरनेम्स एंड फैमिली, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और DIN रहेगा जो 8 डिजिट का होता है, जो MCA प्रोवाइड करता है डायरेक्टर को, कौन, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 8 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है भैया, तौसीफ अहमद को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल चुका है, अब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर ही उनकी पहचान, कहीं भी जाएंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एंड पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, ये जो फर्स्ट डायरेक्टर बने जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है, जिनके नाम पर आर्टिकल बने मतलब प्रमोटर से ऑफ कंपनी, कि क्या जो लोग इस कंपनी के आर्टिकल में सब्सक्राइबर है या फर्स्ट डायरेक्टर है, क्या वो किसी और कंपनी और फर्म में भी इन्वॉल्व है, तो अगर वो किसी और कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या किसी और फर्म में भी डायरेक्टर है, तो क्या आपने उस कंपनी और पार्टनरशिप फर्म की कंसेंट लिया उनको यहां डायरेक्टर बनाने के लिए,
अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी को कौन सी कंसेंट की जरूरत होगी, मगर फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ेगी। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री की 10 फॉर्म है, उन्होंने 11वीं फॉर्म खोले, तो रूल क्या बोलता है, पिछली 10 फॉर्म से आप परमिशन वो तो ले लेगा, वो खुद ही अपने आप को परमिशन दे देगा। ऐसे तो इसलिए हेड डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, आपको पता है 20, उसमें से 10 पब्लिक हो। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन की बात की है, किसकी थी, वो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स की थी, इसमें प्रमोटर भी है और दूसरे मेंबर्स भी। ओके, अभी हम प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। रहे प्रोफेशनल मतलब कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना आपका, लॉयर, उनकी बात हम नहीं कर रहे। उनने तो सिर्फ अफर्मेशन दिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए, किसके द्वारा, सब्सक्राइबर के द्वारा, सब चंगा, सब बढ़िया, कंपनी ने हर रूल्स को फॉलो किए, चाहे प्रेसिडेंटल थे जो पहले के थे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, और जो इंसिडेंटल है जो इससे रिलेटेड है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या डिक्लेरेशन देते हैं वो 3 नंबर के लिए, है ना, पूछ सकता है, जो चीज आ सकता है, बता रहा हूं। अब सेटिस्फाइड हो गया आरओसी, आफ्टर सेटिस्फेक्शन, आफ्टर सेटिस्फेक्शन आरओसी क्या करेगा, भैया मेरे को जो डॉक्यूमेंट मिले सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जितनी चीजें आपने दिखाया, जो पर्टिकुलर्स दिए आपने, डीआईएन नंबर भी दिखाया अपने, एमसीएस लेके डायरेक्टर का सब कुछ बता दिया, मैं सेटिस्फाइड हूं, संतुष्ट हूं आपके डॉक्यूमेंटेशन से, तो अब मैं आपको इश्यू कर रहा हूं, मतलब अब आप कंपनी, अब आप अपनी कंपनी को पैदा कर सकते हैं, तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप सादी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको, देखो कितना आसान है, इस तरीके से अपन लिख रहे हैं। और जैसे ही मैं कंपनी को जन्म दे रहा हूं, कंपनी के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको, CIN, जो कंपनी का 21 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, इसमें कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है उसका आइडेंटिफिकेशन रहता है, कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है शेयर मार्केट में वो रहता है, जैसे एल लिखा है मतलब लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है ना। ओके, फिर 5 डिजिट का कुछ रहेगा, फिर 5 डिजिट, 4 डिजिट का कुछ, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहेगा, 5 डिजिट का कि कौन सी इंडस्ट्री, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि प्रोड्यूसर है कि मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस प्रोवाइडर है, 4 डिजिट का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो क्या होगा, 2021, 2022 जो भी है ना, पब्लिक है कि प्राइवेट कंपनी है, ये पीबीटी पीएल, ये फिर अग्रीमेंट जो आपका एक्चुअल नंबर है ना, 6 डिजिट का आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऐसे 21 डिजिट का पूरा लेखा जोखा होता है। ओके, CIN ठीक है ना, अलॉट टू द कंपनी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है कंपनी, जो सर्टिफिकेट में लिखी है। अब देखो ये ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपने जो पूरी इंफॉर्मेशन दी है, अब दो चीजों की, या तो आरओसी पहले ही पहचान लेगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो फ्रॉड है, झूठी है, गलत है, दो लोग फंसेंगे इसमें, एक वो जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, और एक वो जिनके सामने ये इंफॉर्मेशन जब दी जा रही थी तो उसे वो अफर्म कर रहे थे, अप्रूव कर रहे थे, तो जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी प्रमोटर्स, और जिन्होंने उसको अप्रूव किया, ऑथेंटिकेट किया, वो कौन हुए आपके प्रोफेशनल्स। देखो क्या लिखा, अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश की गई, तो आपके भाई आपने बताया मैं कन्विक्टेड नहीं था, पर पता चला आप अभी भी कन्विक्टेड होकर आए, एक्विट हुए, मतलब एक साल पहले आपकी सजा खत्म हुई, आपने झूठ बोला, आपने फ्रॉड किए बहुत सारे, आपने कोई इंफॉर्मेशन को छुपाया, सप्रेस का मतलब हाइड किया, ठीक है ना, कोई मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टर्स, जैसे बैकग्राउंड ऑफ डायरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन करते वक्त ही पकड़ लिया, अभी इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं है, इनकॉर्पोरेशन करते वक्त ही पकड़ लिया, यह हेडिंग बना दिया मैंने, इसके नीचे पैराग्राफ हो गया, और विद ही इज अवेयर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड, आपको पता था कि गड़बड़ है ना, तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो ही शेल बी लाइबल फॉर फ्रॉड 400BC के लिए, 420 ऑफ आईपीसी, आईपीसी के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी, फ्रॉड हो गया एक प्रकार का, ठीक है, तो ही मतलब कौन, कंपनी के जो मेंबर्स है सब्सक्राइबर्स है वो भी जाएंगे, और कंपनी के जो प्रोफेशनल्स है वो भी जाएंगे, क्योंकि आपको कैसे नहीं पता भाई ये कंपनी गड़बड़ कर रही है। अब लिखा है इसमें, ये तो आपको पकड़ लिया उन्होंने, अब मान लो आप कैसे तैसे करके रजिस्टर्ड हो गए, ये दूसरी कंडीशन, देखो लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, आपने उन फैक्ट्स को छुपा लिए जो फैक्ट्स आपको दिखाना चाहिए था, आपने ये बताया नहीं कि आपने आपके जो डायरेक्टर से वो पुरानी कोई सत्ता भुगत चुकी, आपने बताया नहीं कि अभी कुछ कंपनियां डूब चुकी है, बराबर है, आपने बताया नहीं कि आपका जो DIN है वो झूठा है, एग्जाम्पल देने की कोशिश करो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन
अभी इनकॉर्पोरेट हो गई है, बाद में पता चला अच्छा कंपनी ने गड़बड़ की थी, एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रूफ हो गया, कंपनी पे इल्जाम लगा, प्रूफ हो गया कि कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन दे के अपने आप को एस्टैब्लिश किया है ना, है ना, गलत रिप्रेजेंटेशन दिया, चीजों को छुपाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में हर वो चीज झूठ लिखी जो जरूरी थी, जैसे नाम के लेके जो इन्फॉर्मेशन थी, कंपनी के काम को लेके झूठ लिखा गया, कंपनी के ऑब्जेक्ट को लेके झूठ लिखा गया है ना, कंपनी के जो मेंबर्स थे उन पता चला वो मेंबर शैम है, शैम मतलब के बोगस मेंबर्स है भाई, कंपनी के तो ऐसे कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते है ना, और बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन। अब कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहला कौन, ये साहब, दूसरा कौन, जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, नॉर्मली फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, प्रमोटर में से होता है ना, एंड द अदर पर्सन, इनके अलावा जो लोग हैं और प्रोफेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते भाई, वो लोग अदर पर्सन में आएंगे ना, वो तुम्हारे सामने गड़बड़ हुई, तुमको कैसे पता नहीं कि कंपनी ने गड़बड़ की करके, प्रोफेशनल्स भी आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लोग इनके बिना कैसे होगा गड़बड़। अब ये कंप्लेंट चलेगी ट्रिब्यूनल के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां पर कंपनी केसेस चलते हैं, बोले ये क्या गड़बड़ है भाई, ट्रिब्यूनल को आई, आरओसी ने या कोई ऑफिसर ने पकड़ लिया, उसको ट्रिब्यूनल के पास लेके चले गया, तो पूरा वही लिखा है जो ऊपर पड़े अपन ने, अपने गलत इन्फॉर्मेशन सप्रेस की, छुपाई, जो भी किया। अब ये एप्लीकेशन किसके पास चलेगी, ट्रिब्यूनल के पास, में इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, कंपनी को बंद कर दो, सजा दे दो डायरेक्टर को, जो भी फलाना। अब वो वही ऑर्डर पास करेंगे जो उनको ठीक लगेगा, इट मे थिंक फिट है ना, कंपनी के मैनेजमेंट को, हो सकता है कंपनी का पूरा मैनेजमेंट ही चेंज कर दे, वो पूरा डायरेक्टर को चेंज कर दे, कई कंपनियों में हुआ है, सत्यम इंडस्ट्री में हुआ था, अभी वो महिंद्रा के अंदर, टाटा में भी हुआ, रिलायंस में भी, हर कंपनी को, सहारा में हुआ है ना, उन्होंने डायरेक्टर ही चेंज कर डाले पूरे, या अभी वो एक बैंक ने फ्रॉड किया ना, पीएमसी बैंक में, वहां हुआ पूरा पूरा मैनेजमेंट आरबीआई ने चेंज कर दिया है ना। आप जो भी चेंजेस है जो लिखा है ना उसमें, इंक्लूडिंग चेंजेस, जो भी गलत इंफॉर्मेशन थी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मेमोरेंडम आर्टिकल, वो हर इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाए है ना, किसके इंटरेस्ट के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, मेंबर के लिए और क्रेडिटर्स के लिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऑर्डर पास कर दिया आपने कि ये भैया, मैंने मैनेजमेंट को बोला पूरे जहां जहां झूठ लिखा था वहां वहां सब सच्चाई बताओ, और में आएगा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शेल बी अनलिमिटेड, ये तो 7-2-1 वाले थे, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी जो लिमिटेड बाय शेयर होती है, बराबर है, या कंपनी के जितने मेंबर्स होंगे लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड हो जाएगी, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, पर्सनल एसेट्स भी यूज होगी, ओके, कंपनी का नाम हटाने बोलेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी से रजिस्टर को, आरओसी को हटाओ इनका नाम, इनको अलग करो, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ये कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बोलेगा, ये अदर ऑर्डर पास करेगा जो उसको लगेगा। यानी कितने ऑर्डर हो गए आपके सामने, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर, क्वेश्चन आया ट्रिब्यूनल के ऑर्डर क्या क्या हो सकते थे, आपके अलग क्या ऑर्डर है, पहले क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करने के लिए क्या क्या बोलेगा, कहाँ कहाँ पर चेंजेस लाओ, हर उस जगह पर चेंज लाओ जहां पर झूठ लिखे थे, जहां चीजें छुपाए, जैसे कि आपका मेमोरेंडम और आपका आर्टिकल, किसके इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्रेडिटर के इंटरेस्ट के लिए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, आपके जितने मेंबर्स है सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे, बेसिकली सब्सक्राइबर्स को तो करी डालेंगे, आपका नाम हटा देंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ना, आरओसी को बोलेंगे इसका नाम हटाओ, चलो इसकी आइडेंटिटी खत्म करो या इसको वाइंड अप करो, और में है ये, ठीक है। मगर ऐसा करने से पहले जो आपके प्रमोटर्स है, जो आपके डायरेक्टर्स है, जो लोग इन्वॉल्व है इसमें, आपके प्रोफेशनल्स है, स्पेशली कंपनी के जो प्रमोटर्स है, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनको एक अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल को यह भी देखना है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी किया होगा कंपनी ने, इनकॉर्पोरेशन वाले ट्रांजेक्शन है ना, मनी इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किया होगा, लेन देन है ना, किसी से लिया होगा, किसी को देना होगा, तो जिस जिसको देना है सब दो बेटा, तुम लिखा ना, कोई लाइबिलिटी अगर उसको भी ध्यान रखिएगा, और बोलेगा चलो पे करो, ठीक है, पे करो और उसके बाद इसको वाइंड अप करो या कंपनी को बंद करो, या ना ये कंपनी को कुछ मिलने वाला होगा तो वो उसके स्टेक होल्डर्स को दे देंगे हम लोग, शेयर होल्डर्स और वेंचर होल्डर्स ऑफ बैंक, ठीक है, ये एक सेक्शन हुआ। अब रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, देखो कंपनी जब पैदा होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है यार, ये तो बहुत आसान, कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाती है, आपको समझ में आ गया, अपने जो पढ़े, जो भी ऊपर ने पढ़े, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको समझ में आ गया, मैंने बताया अंडरलाइन करके हेडिंग्स बन गई है, ठीक है। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब कंपनी का नाम अगर आपने गलत रखा, कंपनी का नाम क्या गलत होता है, डायरेक्टर का पास जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए, बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, आप समझ रहे, झूठ नहीं होना, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठे ऑब्जेक्टिव के साथ अब रजिस्टर्ड ना करें, मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन वेरी सिग्निफिकेंट टू मी। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका इफेक्ट क्या होगा, सेक्शन 9 डील करता है इसमें, ध्यान देना,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला पैदाइशी का, क्या पैदा हो चुके आरओसी के द्वारा, देखो क्या लिखा उसमें और किस किस का नाम लिखा था उसमें, सब्सक्राइबर का लिखा था, मेमोरेंडम में ऑल अदर पर्सन जो समय समय पर कंपनी के मेंबर बन रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है ना, इनकी अलग आइडेंटिटी हो जाएगी, कंपनी की अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। अब ये जो कंपनी बन चुकी है अलग, अपने मेंबर से अलग, अपने प्रमोटर से अलग, सबसे अलग हो चुकी है, सच अ रजिस्टर्ड कंपनी शेल बी केपेबल ऑफ व्हाट कैन दे डू, व्हाट कैन डू, पहले तो परपेचुअल सक्सेशन हो गया, मैंने बताया था प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज, लिखा ना, बोथ इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, अपने नाम पर, ऑन इट्स ओन नेम, सीयू कर सकती है, सीयू हो सकती है अपने नाम पर, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला सेक्शन याद आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अलग अलग केसेस पे कुछ बनाया गया, अलग अलग केसेस पे डिसाइड किया गया कंपनी कैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलग अलग सिचुएशन। एक केस पढ़ेंगे अपन, हरिनगर शुगर मिल लिमिटेड एसएस झुंझुन वाला केस पढ़ो, सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसमें, सब लोग साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट, जिस डेट पर भी कंपनी पैदा हुई, कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन, एग्री और नॉट, एसआर एब्सोल्युटली एग्री, कंपनी खुद एक एंटिटी बन गई, कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन। फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स, हु आर द इनकॉर्पोरेटर्स, 721 दे आर द इनकॉर्पोरेटर, जिन्होंने कंपनी को पैदा किया, उनकी आइडेंटिटी अलग, कंपनी की आइडेंटिटी अलग, ठीक है। एंड देयर कम्स इन टू एक्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, और क्या होता है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, के मेंबर की लाइबिलिटी के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, कंपनी की लाइबिलिटी के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, ये तो आपको पता है। दूसरी बात, कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स दैट इज रिटन इन द मेमोरेंडम एंड मेंबर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स दैट इज रिटन इन द आर्टिकल, है ना, थर्ड पार्टी तो ऐसे ही बाइंड करेगा, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी तभी मरेगी जब वो खुद ही लिक्विड होगी, पढ़े थे अपने, या उसका नाम फेंका जाएगा निकाल के रजिस्टर से, किसके द्वारा, आरओसी के द्वारा, फ्रॉड में, या कंपनी मान लो डोरमेंट है, इनएक्टिव है, पढ़ाया था मैंने आपको, तुम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे, तो तुमको चलने का क्या हाल है। इसमें ये बहुत अच्छा लाइन है, मैं एक्चुअली ऑलरेडी पढ़ा चुका है, एक शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर खरीदता है वो कंपनी की प्रॉपर्टी पर अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, याद है, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर कराया है, अब उस पर जो आपको इंश्योरेंस मिलेगा क्या वो शेयर होल्डर क्लेम करेगा या कंपनी क्लेम करेगी, कंपनी। बट इन सर्टेन केसेस रिट पिटीशन विल बी मेंटेनेबल बाय कंपनी और इट्स शेयर, कुछ ऐसे केसेस है जो भी हमको पढ़ना नहीं है, जहां पर कई बार शेयर होल्डर्स ने कंपनी की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताया है, रिट पिटीशन मतलब जैसे आपने पीआईएल दाखिल कर दिया है ना, 32 में सुप्रीम कोर्ट में और 226 में हाई कोर्ट में डायरेक्ट पीआईएल दाखिल कर दी गई, हमने रिट पिटीशन दाखिल कर दिया, रिट फाइल कर दी, तो ये एक्सेप्शन तो अपने को पढ़ना नहीं है, मगर इतना तो क्लियर हो गया अपने को कि भाई बनाने वाले कोई और कंपनी कोई और, कंपनी की प्रॉपर्टी पर बनाने वाले का कोई हक नहीं है, बनाने वाला अपना देखे, वैसे ही बनाने वाले की प्रॉपर्टी पर कंपनी का कोई हक नहीं है, तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस में तुम कौन होते हो अपना हक जताने वाले, ठीक है। फिर क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, देखो तो ये केस का रेफरेंस लिए और लिख दिए और लैंग्वेज भी इजी है, अ लीगल पर्सनैलिटी इमर्ज, कंपनी तभी लीगल हो जाती है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, एग्री सर, एग्री कितनी बार एग्री करेंगे सर, बार बार एग्री तो कर रहे हैं। फ्रॉम द मोमेंट जो लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने यार, 721 ने किस किस में सब्सक्राइब किया, मेमोरेंडम में सब्सक्राइब का मतलब समझते ना, साइन करके बोला कि जो जो लिखा है सब सच है और हम कंपनी के एक एक शेयर खरीद रहे हैं और मेंबर बन रहे हैं, और अदर पर्सन ज्वाइनिंग एज मेंबर एज रिगार्डेड एज बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कंपनी के जो अदर मेंबर्स है जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट है, किसी कंपनी ने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन एक्वायर अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, 500 बार पढ़ ली, 50 लाख बार पढ़ चुके, लीगल पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। So what does that mean? It means any tax exemption. मैं उसका example समझा रहा हूँ आपको किस तरीके से, ठीक है? Any कोई body corporate अगर company के member है, जैसे कोई company है ABC, उसकी कोई body corporate member है, for example उसमें पैसा लगा दिया, for example दे रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए SBI को, पैसा बता दो, SBI तो है तो member ही, shareholder ही, उसका कोई company पे insurable interest तो नहीं आ गया, कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है,
मान लीजिए एबीसी को भी टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो वो एबीसी को मिल रहा है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स या कंपनी के जो शेयर होल्डर एज ए बॉडी कॉर्पोरेट है उनको नहीं मिल रहा। तो एसबीआई कैन क्लेम कि मुझे भी दोनों वो टैक्स एग्जेम्पशन क्यों दे भाई, तुम तो उसके मेंबर हो, है ना? समझ में आ रहा आपको क्या बोल रहा हूं? ओके, so any tax exemption to the company cannot be a tax exemption to the shareholder on its dividend, and any tax exemption on the dividend and on the member cannot be exempted for the company, vice versa. It may be noted under the provision of the act, a company may purchase shares of another company 50,000 बार कर चुके हैं, पता नहीं किसान बताता है, ये holding subsidiary पढ़ के थक गया, associate पढ़ के थक गया, और controlling company भी बन जाती है, holding तो यही करते हैं। मगर इसमें एक वन चीज पड़े थे कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के पूरे शेयर भी खरीद लेगा ना, तब भी उस दूसरी कंपनी का एग्जिस्टेंस तो रहेगा ना, भले डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कौन करेगा, वो होल्डिंग कंपनी। मियरली जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के पूरे शेयर खरीद लियो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ना 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 ना, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी एक एंटिटी है। हाँ, उसके डिसीजन, उसके अपॉइंटमेंट्स, उसके रिमूवल वो बड़ी कंपनी कर रही है, जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी पड़े थे ना अपने, तो सब्सिडियरी में अगर मान लेते हैं मोर देन 50% होता है ना, तो मान लो पूरे 100% पैसा इसी का ही है होल्डिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्सिडियरी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, वो तभी खत्म होगी या तो वो एमलगेमेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, या वो खुद ही वाइंड अप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कौन सा केस है? स्पेंसर एंड को लिमिटेड वर्सेस सीडब्ल्यूडी मद्रास, वही इन पे कब्जा कर लिया था, अरे इस कंपनी पर इन्होंने पूरा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर लिया, एंटिटी तो रहेगी, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है जिनके पूरे शेयर कैपिटल किसी और के। और लास्ट क्या है? एज स्टेटेड अबाउ द लॉ रिकॉग्नाइज द कंपनी इज अ लीगल पर्सन, ज्यूरिस्ट लीगल, 50 बार या फिर वही बार, अपने मेंबर से अलग है, अपने पढ़े थे इसमें, द मियर फैक्ट अगर कंपनी में पूरा शेयर कैपिटल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, और किसके नाम पर खरीदा है वो पैसा उन्होंने? प्रेसिडेंट के नाम, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ, और अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी के सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई और अदर ऑफिसर्स के नाम पर पैसे लगाए गए किसी कंपनी, तो डज नॉट मेक, देखो कितना अच्छा लाइन लिखा, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा भी लगाए प्रेसिडेंट के नाम पर या प्रेसिडेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाए उस पर, तब भी वो कंपनी उनकी जागीर नहीं बनेगी, तब भी वो कंपनी उनकी नौकर नहीं है, तभी वो कंपनी उनकी कोई एजेंट नहीं है, वो कंपनी का अपना अलग अलग एक एग्जिस्टेंस है और उसको चलाने वाले लोग उसको चलाएंगे, ठीक है ना? इसमें ना वो कंपनी की एंटिटी खत्म हुई, ना वो उनकी एजेंट बनी, उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस हो, इस कंपनी की बात चल रही है। इन्होंने इस पे केस किया था, वर्सेस लिखा है, मतलब इस पे केस किया स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है? एंड समझ, यू कैन कॉल इट एज अ गवर्नमेंट कंपनी, मे बी यू कैन कॉल इट एज अ गवर्नमेंट कंपनी, बट दैट कंपनी हैज इट्स ओन मैनेजमेंट, इट डजंट मीन कि इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी, रिमेंबर। सेम इफ दैट गवर्नमेंट कंपनी हैज सम इंश्योरेंस इन द प्रॉपर्टी, द बेनिफिट गोज टू द कंपनी नॉट टू द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और लास्ट आपको बताइए इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जो भी लिखा है इसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में, उसके लिए कंपनी बाइंड रहेगी, बाद में पलट नहीं सकते आपके, हमको नहीं पता था, बाइंड द कंपनी एंड मेंबर्स, जो भी लिखा होगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आप और मेंबर दोनों, जो लोगों ने उसको बनाया है ना, बाय ईच मेंबर, साइंड बाय द ईच मेंबर, ठीक है? एक और लिखो, ऑल मनी पेबल बाय एनी मेंबर, जो पैसा कंपनी के चलते वक्त जब कंपनी चल रही थी, अगर किसी मेंबर ने कंपनी को दिया है, होता है कई बार कंपनी मेंबर से पैसे लेती, तो वो एज ए ड्यू डेप्ट माना जाएगा, एज ए लोन, तो कंपनी की जिम्मेदारी है, यानी मेंबर दो कैपेसिटी में हो गया, वो तो मेंबर तो है ही, मतलब शेयर होल्डर तो है ही, और कंपनी का क्रेडिटर भी हो गया, ठीक है? Okay. किसी को अगर पूरे प्रोविजंस पढ़ना है आर्टिकल और मेमोरेंडम के, और कोई मेंबर चाह रहा है, कोई आउटसाइडर चाह रहा है कि मैं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करूं, तो एक एग्रीमेंट ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है? मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी को बाइंड करते हैं,
मेमोरेंडम बेसिकली आउटसाइडर्स के लिए बाइंड करता है और आर्टिकल जो है वो इनसाइडर्स के लिए बाइंड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। मेंबर के द्वारा दिया हुआ लोन ड्यू होता है बराबर, ओके, एज पर। अब मेमोरेंडम में सात लोग होते हैं, वो मेंबर हो गए 7-2-1, और आर्टिकल में भी जो लोग साइन करते हैं ऐसे मेंबर्स वही 7-2-1 ही रहते हैं, तो कंपनी पर डिपेंड। ठीक है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने मेन मेन चीज अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेके हमने डिस्कशन किया है ना, नीचे हमने बात किया कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेके, ओके, बॉडी कॉर्पोरेट को लेके डिस्कशन किया मैंने नीचे, उसके बाद मैंने टैक्स लाइबिलिटी के बारे में समझाया मैंने आपको, ऊपर वाला, ये सब अलग अलग केसेस है, पूरा अच्छे से इसको अच्छे से डिफाइन कर ले, अच्छे से समझ जा। ठीक है, इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, बता दिया मैंने क्या ऑर्डर पास करेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ से क्या कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एक ऑन द सब्सक्रिप्शन पकड़ लिया आपने, ऑन द इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर पकड़ा, बाद में पता चला CIN 21 डिजिट का ROC देता है अगर वो सेटिस्फाइड है आपके डॉक्यूमेंट से जो सबमिट किया आपने, और क्या डिक्लेरेशन देते हैं सब्सक्राइबर, 7-2-1 मेमोरेंडम में जिनकी साइन होती है, हम कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड से भी तो उस बात को 5 साल हो चुके हैं, है ना, अब गिल्टी हुए भी थे तो उसको 5 साल हो चुके हैं, और हमने जितनी भी डॉक्यूमेंट फाइल किए ROC के पास में हमारे बेस्ट नॉलेज के हैं और कंप्लीट है और फेयर है। पूछ सकता ना भाई डिक्लेरेशन क्या होता है, और डिक्लेरेशन कितने प्रकार के देते हैं, एक तो एक एक्सपर्ट्स होते हैं एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी के पर्संस, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, है ना, जिनकी साइन है मेमोरेंडम में और आर्टिकल में। ओके, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर ऑफ द फर्स्ट अंटिल समवन इज अपॉइंटेड इन द फर्स्ट AGM। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया, सो फटाफट खत्म करने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 7 है छोटा सा, ये फॉर्मेशन को लेके है, और ये क्या है, हु आर प्रमोटर्स, हु आर प्रमोटर्स। चलो बाय, टाटा, टेक केयर।